मेरे से कह रहा था कि आपके जितने रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में हो तो सबको बता दो आप। आपको अगर जितने लोगों को ऐड करोगे उतने लोगों का आपको 5% 10% ये आपको मिल जाएगा वापस। कंटेंट कंटेंट इनका ना जो भी पढ़ा रहे हैं कंटेंट क्वालिटी, मैं क्योंकि उन्हें वो इंटरनेट के पर जो इन्हें पढ़ाया गया वो फ्री में अवेलेबल है, आप कहीं से भी सीख सकते हो वो चीजें। वो कहा जब आप मुझे एचआर की एंट्री लेवल जॉब नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, आप उसमें मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट एचआर मैनेजर में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। तो बस 300 बच्चों में से लगभग में एक बच्चे को जॉब मिली है, तो इनका 100% प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल समझ नहीं आया। उनका प्लेसमेंट नहीं हो पा करा पा रहे हैं, इंटरव्यू जो कंडक्ट भी करा रहे हैं, जो बड़ी है वो रिस्पॉन्ड नहीं करा। अगर जॉब नहीं है तो स्टार्टिंग में सबको बता दे कि जॉब नहीं है। प्रॉमिस में दिया गया है उसको वो सुधार करे, नहीं तो ये कोर्स को या ये रिलेवल प्लेटफॉर्म को ही बंद करे। मेरा भी ऐसा है कि मैंने एग्जाम क्रैक किया, मैं अपने इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ। कौन सा कोर्स था आपका? भाई मेरा एचआर यही था, HR C1। अच्छा, दरअसल मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, और मैंने शुरुआत में मैंने ये दरअसल ये मैंने जाना कि वो जब वही जनवरी या 2021 लास्ट दिसंबर में मैंने फेसबुक और यूट्यूब ये सब ऐड आते रहते हैं ना इनके, तो उसमें मैंने देखा था ये ट्री लेवल, क्योंकि मैंने क्या मैं बीटेक होल्डर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, उसके बाद मैंने MBA भी किया। अच्छा, अभी रिसेंटली 2021 में कंप्लीट हुआ है, तो वो तो साइड था, वो ज्यादा मैं उसमें ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था JEE की, तो उसमें लगा हुआ था, लेकिन मेरा पेपर ऊपर दे आया था वो निकल गया मेरा। मैंने सोचा कि कर लें ताकि डिग्री एक हो जाएगी तो गैप भी नहीं मालूम देगा कि हाँ कहीं भी कंपनी में जाएंगे तो गैप रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। उसके बाद दरअसल ये शुरू हुआ ये कि जब मैंने देखा ये एड इनका री लेवल का और अनअकैडमी का, मैंने पहले इनका सब्सक्रिप्शन लिया था वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला, तो अनअकैडमी के नाम से मैंने सोचा कि ये हायरिंग कंपनी है। अच्छी चीज है कि हाँ भाई हायरिंग कंपनी इसीलिए ये बनी है ना कि मैं ट्रेनिंग दूंगा लड़के को, जॉब फेयर से नहीं उठाना पड़ेगा, कैंपस से नहीं उठाना पड़ेगा, इनके थ्रू मैं हायर कर लूंगा, कंपनी का यही है ना सिस्टम। तो मैंने ये देखा कि ये पैकेज भी अच्छा है और मैंने MBA यही HR मार्केटिंग से किया था, तो मैंने सोचा यही कोर्स ले लेते हैं। हालांकि इनका जब मैंने वेबसाइट पे गया, मैं देखा नॉन रिफंड पॉलिसी भी देखा, ये सब देखा, तो मुझे पहले लगा कि मैं यार करूं कि ना करूं, मैं बहुत मतलब सोच समझ के कर रहा था उस टाइम में बहुत। और उसके बाद एक महीने बाद या दो महीने बाद फरवरी में मैंने ये सब विजिट किया था ना इनके साइट्स पे, तो पहले क्या था कि ये जब इनके मतलब साइन अप कर लो इनके साइट पे तो क्या होता है वो लीड जनरेट हो जाती है ना वहां पर, वो नंबर चला जाता है, नाम चला जाता है सब। तो इनके काउंसलर मुझे कॉल किया, काउंसलर कॉल किया और एक बार नहीं किया, बहुत बार कॉल किया, कभी मैं बिजी था नहीं उठा पाया, तो एक बार उठाया तो उसने कहा कि सर आपने कोर्स विजिट किया है और ऐसा ऐसा है, और उसने पूरा बताया समझाया मुझे, तो जॉब गारंटी का वो सब बताया। उसने कहा कि मैं हाई स्कूल जो बता रहे ना कि सारे लोग बताएं कि हाई स्कूल वाला बंदे को भी 10 लाख का पैकेज दिलवाया, बोला ये बात उसने बोला यार बढ़िया है। हाँ तो हमने कहा हाई स्कूल का लड़का अभी वो पढ़ रहा है, अगर उससे हाई स्कूल का ही पूछ लिया जाए तो उसको खुद नहीं पता होगा, क्योंकि भाई वो अभी उस फील्ड में वो मैच्योर नहीं है, वो मैच्योरिटी आती ही नहीं है, हाई स्कूल इंटर जब निकल जाता है उसके बाद जब ग्रेजुएशन में जाता है तब उसकी मैच्योरिटी होती पूरी ना कि हाँ मैं अब हैंडल कर लूंगा हर चीज। उन्होंने आपके बारे में क्या कहा, मतलब जैसे आपने उनको बताया होगा कि मेरी ये क्वालिफिकेशन वगैरह है तो? हाँ मैंने कहा अरे उन्होंने तुरंत कहा कि बहुत बढ़िया है और हमारे यहाँ आपको गारंटी प्रोग्राम चलता है, जॉब गारंटी पूरी तरह से आपको, और आपको 10 लाख का पैकेज तो मिलना ही मिलना है। तो हमने कहा यार इससे अच्छा बात क्या है, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार करें कि ना करें, ये भी लगता था डर कि यार अगर करें मुझे ना समझ में आया या अच्छा, मुझे अच्छा ये ना लगा यार कोर्स ये, मतलब आपने नहीं कहा कि मैं मतलब अपने खुद से पढ़ के इसका एग्जाम देने का ट्राई करता हूँ, मतलब उन्होंने कैसे कहा कि आपको मतलब कोर्स लेना चाहिए? हाँ उन्होंने कहा कि कोर्स आप लेंगे यदि तो आपकी प्रोफाइल बनेगी और आप
आपकी प्रोफाइल को हम हर कंपनी में 5 इंटरव्यू, वो बताया ना कि इंटरव्यू 5 कराते हैं हम, तो जो मुझसे टाई अप कंपनी है और एमएनसी कंपनी बहुत बताए, एक दो नाम बताए, तो वहाँ आपकी प्रोफाइल जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा और आपको बढ़िया पैकेज मिलेगा और आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है। तो हमने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि सोचो, मैंने कहा कि मैं एग्जाम दे देता हूँ क्योंकि मैंने किया है, तो कहेंगे आपका एग्जाम आप दे, लेकिन ज्यादातर क्लियर अगर आपका नहीं होता है तो आपको कोर्स की जरूरत ही पड़ेगी बिल्कुल। तो मैंने एक बार दिया, उनसे बात वहां फाइनल हो गई, मैंने ये टेस्ट दिया, टेस्ट नहीं क्लियर हुआ मेरा, तो मैंने सोचा यार थोड़ा वो था कि यार कोर्स लेना पड़ेगा, तो मैंने सोचा ठीक है कोर्स ले, लेकिन उसके बाद ये जो काउंसलर ने कहा, 2-3 बार कॉल किया, तो उस टाइम में फ्रस्ट्रेटेड भी था, घर से भी थोड़ा ये जॉब वॉब का चल रहा था कि करोगे कुछ कि नहीं करोगे ऐसा वैसा, तो मैंने उसमें समझ लो मैं दिमाग से नहीं सोचा उस टाइम, जो मन में आया मैंने ले लिया। उसके बाद लेने के बाद भाई ये हुआ कि मेरा, मैंने जब ये इनका देखा ना, वो जो इनका कोर्स चालू हुआ जब सेकंड में से, उसके बाद जो प्लेसमेंट का जो एक क्लास हुई थी, प्लेसमेंट वाली ओरिएंटेशन वाली, उसमें इन्होंने असली हकीकत तो वहीं पर बताई कि 2.5 लाख से 3 लाख ये पैकेज मिनिमम है हमारा एज अ फ्रेशर। तो वहां पर बात वो कर ही नहीं पाए, वो तुरंत इतने लोग उस कमेंट कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो उस वो बात काट काट के अपनी बात रख रहे थे और हमारे लोगों का सलूशन वो दे ही नहीं पा रही थी मैडम जो थी। तो तब लगा, उसके बाद मैंने एक महीने बाद इनका जो कोर्स है ना जो चल रहा था, मैंने कभी बिजी था कभी क्या था तो मैं देख भी नहीं पाया, मैंने कहा आखिरी में देखेंगे। तो इनका जो आखिरी के जो वो हुए, इनके जो क्वेश्चन कराते हैं ना वो शेड्यूल किया, उसमें देखा कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता, और इनके वो जो टेस्ट हुए उसमें नंबर बढ़िया आ रहे हैं हमारे। जब मैंने वो मेन टेस्ट दिया तो उसमें नंबर मेरे आ ही नहीं रहे हैं, मेरा फेज वन क्लियर नहीं हो रहा है, 100 नंबर से 80 नंबर कभी तो 55-40 ऐसा ऐसा हो जाता था। अभी तक आपने कोर्स ले लिया था? मैंने कोर्स मैंने ले लिया, तभी लिया था ना, 2 मई को जब चालू हुआ था, उससे पहले मैंने अप्रैल में लिया था कोर्स। अच्छा, उसने इतना फोर्स कर दिया, और उस टाइम मैं बता रहा था ना कि मैं फ्रस्ट्रेटेड था कि हाँ बिल्कुल कि कुछ करना है और जॉब, सभी के साथ ऐसे हो जाता है यार वो लोग, मतलब उस टाइम मैंने सोचा है जबकि मुझे पता था। हाँ, कॉल पे तुमको इतना ज्यादा वो लोग इन्फ्लुएंस कर देंगे ना कि तुम जाके कोर्स ले, वो मजबूर कर देंगे ना, मजबूर कर दोगे। और कोर्स आपने ईएमआई पे दिया था, लोन पे? नहीं नहीं, मैंने ये लोन वाला झंझट पालना ही नहीं है, मैंने कहा मैं एक शॉट में पेमेंट करूंगा, वो भी क्रेडिट कार्ड से, मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है नहीं, और मैं इस सबसे बहुत ज्यादा बचता हूँ कि लोन ना लेना पड़े, क्रेडिट कार्ड है तो ठीक है वो तो बेनिफिट उसमें मिलता है, तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड नहीं, मेरा दोस्त एक है जॉब कर रहा है उसका क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट करवाया। अब तो क्या है वो ईएमआई उसकी जो आती है ना उसको मैं, मुझे पेमेंट करना पड़ता है हर महीने, तो मेरा पेमेंट हुआ था 19,750 कुछ ऐसे था, और 3,333 रुपए हर महीने मुझे देना पड़ता है उसको। तो अभी आपका कोर्स चल ही रहा है? अभी कोर्स चल नहीं रहा, मेरा कंप्लीट हो गया ही नहीं, जो ग्रुप में शिवा सूर्यकांत नवीन भाई सबके ग्रुप में उसी में साथ ही है। हाँ, साथ ही में अभी कंप्लीट हो गया, मेरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी क्लियर हो जाएगा क्योंकि एंड टाइम पे अभी रिसेंटली हमने दिया था, तो उसमें फर्स्ट फेज में 283 नंबर आए थे। मतलब प्रॉब्लम आपको भी लग रहा है कि जब इन लोगों का नहीं हो रहा है क्लियर करने के बाद तो मेरा भी हो जाएगा तो क्या होगा, तो यही सब और है। ये जो पढ़ाए हो हमको ये नहीं समझ में आता, अगर तुम्हारा कॉन्टेक्ट अगर कॉन्टेंट और तुम अगर कोर्स पढ़ा रहे हो तो वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि लड़के का 1 या 2 या 3 बार के अटेम्प्ट में ही निकलना चाहिए, तब तो तुम्हारे कोर्स में दम है ना कि हाँ
एक बार नहीं निकला दूसरी बार निकल गया। सही बोल रहे हैं, वो चीज वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो तो लड़का भाई, लड़का ऐसा तो नहीं है कि हाँ वो प्रैक्टिकली वो सिचुएशन में बैठ के वो एक्सपीरियंस किया है, उसके पास एक्सपीरियंस है, ऐसा तो नहीं। बहुत सारे फ्रेशर हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं। एक चीज क्लियर करो, जो मतलब ये लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, कितने परसेंट मतलब ट्यूशन ऐसे हैं कि जो फंस रहे हैं जो आप एग्जाम दे रहे हो उससे? इतने क्वेश्चन की बात, अरे ये जो सिनेरियो है इनका, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, वो पूरा के पूरा क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। वो ऐसे सिचुएशन रख रहे हैं और उसके जो ऑप्शन आते हैं ना भाई, वो हमको लगेगा कि हमारा जाएगा और बिल्कुल फिट आंसर जो है वो तुमको बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा कि यही सही है। लेकिन इनका जो पैटर्न है ना कि जैसे OMR सीट चेक होती है वैसे इनका तो डायरेक्ट ऑनलाइन में तुरंत रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो ऑप्शन सेट किए हैं कि यही आंसर सही है, तो वो वहां वो कर देता है, वो नंबर वो तुरंत शो करने लगता है और एग्जैक्ट नंबर हर किसी के आते ही नहीं है। अगर 400 नंबर तुमने किया है, ठीक है, 400 नंबर में 200 नंबर पासिंग है, तो 400 नंबर यार किया है तो 400 क्यों किया भाई? अगर 40-40 के क्वेश्चन है आप दो दो नंबर के रख दो, तो अगर 200 नंबर में आप 200 कर रहे हो, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को एक पार्टिकुलर, जैसे दो नंबर का क्वेश्चन है तो अगर वो सही है तो दो के दो नंबर मिले, पूरे नंबर मिलने चाहिए ना। अगर 400 में 38, 40 में 38 क्वेश्चन अगर सही किया है तो 38 क्वेश्चन में पूरे नंबर उसको मिलने चाहिए। ऐसा थोड़े कि हाँ आप डिग्रेड करके बिल्कुल नीचे ले आए, 400 200 से ऊपर बढ़ेगा नहीं। एक बिल्कुल एक क्राइटेरिया रख दिया कि 200 पासिंग मार्क्स है और 200 ले आओ, बस उसके बाद वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जो इनका सिस्टम है ना वो बहुत ही खराब है। और भाई ऐसा है ना कि जैसे हम लोग तैयारी करते हैं ना, प्रिपरेशन करते हैं, तो पैटर्न है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछा गया, ऐसा ऐसा इस साल आया ऐसा, तो इनका और ये ना आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं ना कोई सैंपल उसी बिहाफ, मतलब उसी बेस्ड सैंपल पेपर, या ये क्वेश्चन पिछले वाले टेस्ट में पूछा गया या उससे पहले पूछा गया। तो एक कंटेंट पूरा ये बना के दें तो उस हिसाब से लड़का अगर तैयारी करेगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट तुरंत निकल जाएगा। अगर आंसर की नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, क्वेश्चन कैसे आए हैं उस लड़के को पता ही नहीं है। अच्छा आप तो ये जो एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है, इनके पास वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी क्या मतलब, इनके पास जो टाई अप ये कंपनी है ये अपने रेफरेंस से भेज रहे हैं, ना कि उनकी कैरियर साइट पे जो उनका जॉब पोर्टल है, जो निकलती है जॉब वैकेंट जो ओपनिंग होती है उनकी, उन पर शो होना चाहिए ना कि हाँ ये जॉब वैकेंसी निकली है इस कंपनी की, तो वहां पर शो होना चाहिए ना। जब ये मेल भेज रहे हैं इंटरव्यू में, जो बता रहे हैं ना कि ये इंटरव्यू आज शेड्यूल हुआ है इस कंपनी का, तो उस कंपनी को भी मेल जाना चाहिए और वहां पर भी पूरा जाएगा प्रोफाइल और लड़के का जो भी वो इनका स्कोर कार्ड और ये सब वहां पर शो होना चाहिए ना उसके साइट पे कि इसने अप्लाई किया है। कंपनी में अगर क्रॉस चेक करना पड़े तो वहां पर पता तो चले कि हाँ इस लड़के का इंटरव्यू हुआ है। और रिव्यू में जाना चाहिए इंटरव्यू, इंटरव्यू ये थोड़े कि डायरेक्ट मैंने रिजेक्ट कर दिया। इंटरव्यू अगर देखा जाए तो रिव्यू पहले होता है, उसके बाद मेल आता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं कि रिजेक्ट हुए। वो डायरेक्ट ये नहीं कहता है कि यार भाई ये सारी बातें लोगों तक पहुंचे और पूरी तरह से ये रुपये कमाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लड़का गरीब है, पहले टारगेट इनका यही है, अगर गरीब है और कह रहा है कि भाई नहीं है मेरे पास रुपया, तो कह रहे हैं कि मैं लोन दिलवा दूंगा आप बाद में पे कर देगा और ऐसे ऐसे पे कर देना, और बाद में उसको अगर समझ में नहीं आ रहा कोर्स तो रिफंड करना चाहिए या फिर उसका कोर्स। अब भाई किसी की मजबूरी है, कोई नहीं समझ पा रहा इंग्लिश में आप बोल रहे हो, हिंदी उसको आती है इंग्लिश में नहीं समझ पा रहा है, तो कम से कम हिंदी में समझाओ तो वो चीज। हाँ सही बात बोल, थोड़ा कि ताकि ये इनका टेस्ट क्लियर करें तो इनके थ्रू ये जैसा वादा किया था ना कि 10 लाख के पैकेज तक ये जॉब करेंगे, मिनिमम से मिनिमम 5-6 लाख। तो मैंने सोचा कि पहले ये क्लियर कर लूं, तब मैं इंटरव्यू जब नहीं होगा तब देखा जाएगा। लेकिन जब मैं धीरे धीरे मैं ये ग्रुप में
ज्वाइन हुआ हमारा जो पूरा टीम है जो सेवा का, तो उसमें मैं देखा कि वो लोग तो क्लियर कर चुके हैं, जब उनका जब ये सिस्टम है, जब ये हाल है कि उनका प्लेसमेंट नहीं हो पा करा पा रहे हैं, इंटरव्यू जो कंडक्ट भी करा रहे हैं, जो बड़ी है वो रिस्पॉन्ड नहीं करा, बड़ी का मतलब है कि हेल्प करो और इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करो, भाई कैसे क्या हो रहा है टोटल रिस्पॉन्स बारे में बताओ कि क्या कंप्लेन। हाँ बिल्कुल, वो ये कर ही नहीं रहे और जो क्रैक कर चुके हैं जो एक एक या दो दो महीने से वो पड़े हैं, उनका ये कहीं पर भी प्लेसमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो बाकी जो लड़के बचे हैं जो क्लियर करना भी चाहते हैं, वो भी सोच रहे हैं कि ये क्लियर करें कि ना करें, क्या फायदा, जब ये यही हाल है, जब वो प्लेसमेंट करा ही नहीं पा रहे हैं और इनका एक तो घटिया कंटेंट रहा, वो उसके बेस पे तो ये एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं कोई टेस्ट में, वो जो पढ़ाए हैं जो भी है उससे रिलेटेड कुछ है ही नहीं, वो ओवरव्यू दे दिए हैं, पूरा समरी दे दिए हैं कि ऐसा ऐसा वो कुछ टॉपिक पे दिए हैं जो उनको पीडीएफ में मिला, बाकी उनसे वो ना कुछ बताए हैं कि कैसे क्या है, पैटर्न क्या है, कैसा फ्रेम है क्वेश्चन का, ये कुछ नहीं बताया। यार एक चीज तो देखो क्लियर है कि इनसे तो आप पहली बात कोर्स लेना ही नहीं है, कोर्स लेने तो कोई भी फायदा नहीं, आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद जाएंगे। और भाई और अगर एग्जाम ही देना चाहते हो तो एग्जाम का एक बार जो मतलब इनका जो पैटर्न सिलेबस जो कुछ भी इनके भी साइट पे उसको देख कर और सेल्फ स्टडी करके एग्जाम निकाला जा सकता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक गवर्नमेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी होता है जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है उसमें के नंबर घट जाते हैं, एक्यूरेसी बोल तो देखते हैं ना कि क्वेश्चन का अटेम्प्ट कितना किया कितना गलत किया, तो अगर यही ये कर रहे हैं तो इनका पैटर्न और ये उस तरह से भी नहीं कर रहे, नॉर्मलाइजेशन में 2-3 नंबर का अंतर आएगा, 10 नंबर का अंतर आएगा, 20 नंबर मान लो आएगा, तब भी एक्यूरेट नंबर तो मिले नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा अंदर नहीं, हाँ वो नहीं होगा, तो वो एक एग्जांपल दे रहे हैं ना कि ऐसा, तो इनका पैटर्न बिल्कुल बेकार है, जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो है ही नहीं एग्जाम में, ये क्या पूछ रहे हैं, कैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं वो भी नहीं, वो सिचुएशन ऐसी डाल दे रहे हैं कि लड़का जाएगा वो अपने हिसाब से सही कर रहा है और हो सकता है दूसरे को दिखाया जाए जो एक्सपीरियंस है वो भी वही आंसर पुट अप करे। तीन चार वो यार बहुत मतलब मेजर प्रॉब्लम है, अगर ये कास सॉल्व हो जाए तो रिलेबल यार मतलब एक बढ़िया कंपनी बन सकती है, लेकिन इन्होंने यार अपना नाम जो है वो खराब कर दिया है। इनका एग्जीक्यूट